आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्बलप के बारे में। तो एम्बलप जो कि लेटर को एक कवर के रूप में रखता है, यानी कि जो लेटर होता है उसको कवर में रखते हैं, उसे एम्बलप बोला जाता है। तो सिंपली एम्बलप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो एम्बलप क्रिएट करने के लिए आप जाओगे मेलिंग मेन्यू में। तो मेलिंग मेन्यू में यहाँ मिल जाएगा आपको एम्बलप, ठीक है। तो यहाँ से आप एम्बलप पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एम्बलप क्लिक हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जिस व्यक्ति को भेजना है यानी डिलीवर करना है लेटर, उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में मैं उसका नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल राजेश कुमार, ठीक है। एड्रेस हाउस नंबर 4-5 LIG कॉलोनी। ठीक है। इसके बाद रिटर्न किसके पास आए, तो रिटर्न एड्रेस ऑलरेडी मैं लिखा हुआ है तो वही मैं उसको रहने दे रहा हूँ। तो रिटर्न एड्रेस मैंने एक शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली आप इसमें फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉन्ट मैंने ले लिया, जैसे कि ये वाला फॉन्ट ले लिया, बोल्ड इटैलिक आए, साइज 12 ही रहे, कलर इसका ब्लू रहे, ठीक है। अंडरलाइन मेरे को चाहिए फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके। अगर रिटर्न एड्रेस में भी कोई चेंजेस करना है तो मैंने कहा रिटर्न एड्रेस में भी फोन दिया ही रहे, बोल्ड इटैलिक 11 का ही एड्रेस है, यहाँ पर ये येलो कलर से दिखाई दे, ठीक है। तो ये येलो कलर से दिखाई देगा। अब जैसे ही आप इन दोनों पे ओके करोगे तो ये फॉर्मेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये सेव हो जाएगा। याद रखिएगा ये खुद का अलग डॉक्यूमेंट नहीं बना था, तो ये इसी में आएगा, ठीक है। तो सिंपल ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई। अब मैं आपको उसके बाद बताने वाला हूँ मेलिंग लेवल्स। तो आप मेलिंग लेवल्स का यूज़ क्या करते हैं, तो मेलिंग लेवल्स मान लीजिए जैसे कि हमारी कोई एक शॉप है या फिर एक हमारी कोई कंपनी है। अब आप क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पर हम अपना एक लेवल चिपका कर भेजना चाहते हैं। तो अब क्या है, लेवल क्रिएट करने के लिए हम बार बार ऐसा तो करेंगे नहीं, या तो किसी से लिखवा दें या कुछ करवा दें, नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्रिएट करवा लेंगे। तो सिंपल ये भी इसी तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है, LIG कॉलोनी है, तो यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसी को एक लेवल ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 30 पर पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, तो मैं 30 पर पेज ले ले रहा हूँ, लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा है, उस वाले की विड्थ कम थी। यहाँ पे ओके किया, और जैसे मैं इसको बोलूँगा ऐड टू डॉक्यूमेंट, तो ये नया डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा ये नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लेवल आ गए, और बढ़िया लेवल आए, एक पेज पर 30 लेवल आएंगे, ठीक है। तो सिंपली ये दोनों एक मेलिंग मेन्यू के तहत काम करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टिंग डेटा और एक्सपोर्टिंग डेटा। तो इम्पोर्टिंग डेटा में सबसे पहले यानी कि डेटा को इम्पोर्ट करना। अब डेटा को इम्पोर्ट कैसे करोगे, तो डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया कंट्रोल के साथ एंटर करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नया पेज ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेटा आए। अब इम्पोर्टिंग डेटा के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हो। जैसे ये मेरे से गलती से ऑब्जेक्ट खुल गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल भी ले सकते हो या फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी ले सकते हो। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से आप सिर्फ वर्ड की फाइल ले सकते हो, क्रिएट फ्रॉम फाइल से तो आप यहाँ पे फाइल ले कर सकते हो। जैसे मैंने ब्राउज़ किया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर मैं एक्सेल की फाइल है इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने बोला लिंक टू फाइल, ठीक है। तो ये लिंक टू फाइल रहेगी, और इसके बाद इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो इसका डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सेल का डेटा मैं कहाँ पर उठा के लिए आया, वर्ड पे। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल मिलेगा, जहाँ पर आपने फाइल रखी है वो ब्राउज़ के ज़रिए जाएंगे, और जब आप इसे लाने के बाद इसको लिंक फ्रॉम फाइल ज़रूर करेंगे, जिससे कि वो लिंक रहे उस फाइल से, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा को इम्पोर्ट करना। अब बताया तो मैं आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली जैसे मान लीजिए मेरी जो फर्स्ट फाइल है ये डॉक्यूमेंट वन, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर मैं कोई नई फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नई फाइल ले ली, तो इक्वल RND करके मैंने एक यहाँ पर वो लगा दिया,
तो जिससे डमी टैक्स आ जाएगा, डमी टैक्स आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको डमी टैक्स दिखने लगेगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, जाना है फाइल मेन्यू के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको एक्सपोर्ट डेटा। इम्पोर्ट डेटा का मतलब होता है इम्पोर्ट करना यानी डाटा लाना किसी और डेटा से, किसी और जगह से या किसी और सॉफ्टवेयर का। अब एक्सपोर्ट डेटा मतलब कि किसी और फॉर्मेट में फाइल को सेव करना। अगर आप फाइल को सेव करते हो तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लेकिन इसमें दो फॉर्मेट और मिलेंगे आपको एक्सपोर्ट में, पीडीएफ और एक्सपीएस। पीडीएफ और एक्सपीएस का फ़ायदा क्या है कि ये मोबाइल पे ओपन की जा सकती है, ईमेल पे आराम से लगाई जा सकती है, ठीक है। ये उसके कुछ फ़ायदे हैं, लाइट वेट होती हैं, ठीक है। आप इसके अंदर 100 पेजेस लिख लीजिए, 200 पेजेस लिख लीजिए, बहुत लाइट वेट होगी, आराम से आप इस पर काम कर सकते हो, आराम से फाइल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे मैं गया एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ मिलेगा क्रिएट एक्सपीएस या पीडीएफ फाइल। तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश बोलूँगा तो पब्लिश होने पर ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, देखिए यहाँ पे ये पब्लिश होने पर कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो ये पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ईमेल पे भी लगा सकते हो। अब पब्लिश होने पर ये कहाँ दिखाई देगी, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर पब्लिश करना है, तो डेस्कटॉप पर पब्लिश किया तो ये डेस्कटॉप पर कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये वीडियो प्रोवाइडिंग, तो ये फाइल रहेगी, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल है और लाइट वेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। देखेंगे आप, देखिए 89 92 KB की है, ठीक है। 92 KB बहुत कम होता है एक पेज के हिसाब से, ठीक है। अगर एक्सपीएस में करेंगे तो भी यही फ़ायदा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना सा है कि जो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा पीडीएफ से ज़्यादा साइज़ कंज्यूम करता है बाकी। और आपने पीडीएफ का नाम ज़्यादा सुना होगा तो इसलिए पीडीएफ में ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं लोग, ठीक है, एक्सपीएस का कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है।